हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? मैं देखा आपका खैरियत होंगे, फिट फाट होंगे। मेरा नाम है सोहेल अहमद, आप देख रहे हैं सोहेल अहमद टीवी। तो भाई आप सबको जो है वो हमारे चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से ईद मुबारक हो, ठीक है। ये ईद का दिन जो है आप सब लोगों के लिए खुशियां लेके आए, और ख़ास तौर पे ये जो है वो सुन्नत इब्राहिमी सब लोग अदा करेंगे इस ईद में, ठीक है। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने इस कुर्बानी में जो आप लोग कुर्बानी करेंगे उसमें गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि बेचारे पूरे साल में जो है जिनको गोश्त नसीब नहीं होता, जिनको जो है वो गोश्त खाना नसीब नहीं होता, इतनी परचेजिंग पावर नहीं होती कि वो लोग गोश्त खरीद के खाएं, ठीक है। तो उनको सबसे ज़्यादा जो है याद रखे। ईद का जो है वो मकसद ही यही है, ये बड़ी ईद का, कि उन लोगों तक गोश्त पहुंचाया जाए जो बेचारे जो है वो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, जो खाते नहीं हैं पूरे साल, ताकि जो है उसका सवाब मिले आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। हम लोग तो अल्लाह का शुक्र है कि खाते रहते हैं, जो कुर्बानी करता है वो तो पूरा साल ही खाता है, ठीक है, गोश्त ख़रीद के खा सकता है। लेकिन जो बेचारे गरीब मिस्कीन हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पूरे इलाकों में जो है वो कुर्बानी नहीं होती, गरीब इलाके ऐसे हैं वहाँ पर जिसको अल्लाह ताला ने ताकत दी है, जो मुस्तहिक है, वो कुर्बानी करके पूरी की पूरी, बहुत सारे लोग करते हैं, देखा है मैंने, सुजुकियाँ भर के आते हैं, थैलियाँ बना के जो है वो गरीबों में बांटते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादा करें तो जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो बाकी जो है वो सब भाई दुआओं में याद रखें, सबको मेरी तरफ से जो है वो ईद मुबारक हो। और जो हज पे गए हैं, जिन्होंने हज अदा किया, अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे। तो बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।